नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका चैनल स्मार्ट टेलीकॉम और मैं दुर्गेश सोनी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे हमारे नए अपडेट्स आपको तुरंत मिलें। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, आज मैं अपने स्टूडेंट और अपने सब्सक्राइबर के लिए एक जू मैप के बारे में मैं बताने वाला हूँ कि जू मैप आप कैसे यूज़ कर सकते हो और जू मैप है क्या, ये मैं सारे डिटेल अभी करने वाला हूँ। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखें, जिससे कि आपको समझ में आएगा कि ये जू मैप है क्या और इसे कैसे यूज़ करते हैं और इसका क्या काम है। तो फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल में अगर अभी नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारे नए नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलते रहे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, तो मैं चलिए जूम ऐप के बारे में बताऊंगा। जूम ऐप से आप बहुत सी एक मीटिंग ले सकते हैं, क्लास ले सकते हैं, या आप कोई भी चीज़ जैसे आपको मीटिंग लेना हो या आप किसी स्टूडेंट से क्लास लेनी हो अपनी, तो आप जूम ऐप के द्वारा बहुत ही ईजी तरीके से आप जूम ऐप में ज्वाइन होकर के अपने स्टूडेंट को जूम लिंक दे करके ज्वाइन हो सकते हैं और उसके बाद आप अपनी क्लास ले सकते हैं, अपनी मीटिंग को ले सकते हैं। और वो कैसे पॉसिबल है, आप डेस्कटॉप में भी ले सकते हैं, मतलब अपने कंप्यूटर में भी ले सकते हैं और आप मोबाइल से भी अपने इस मीटिंग को ले सकते हैं। तो जूम ऐप के बारे में अगर आप जानते हैं तो वीडियो को स्किप कर दें और अगर आप नहीं जानते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखें। मैं आपको जूम ऐप के बारे में सारी डिटेल करने वाला हूँ और उससे कैसे ज्वाइन करते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे स्क्रीन शेयर करते हैं, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। आप स्क्रीन शेयर करके अपने लैपटॉप की स्क्रीन भी शेयर करके सारी चीज़ आप स्टूडेंट को पढ़ा सकते हो, सब चीज़ आप कर सकते हो। फ्रेंड, तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जूम ऐप आप डाउनलोड कहाँ से करेंगे। तो जूम ऐप आपको लिखना है, जूम डाउनलोड आप लिखेंगे, जूम ऐप डाउनलोड लिखेंगे तो आपको जूम ऐप डाउनलोड हो जाएगी। फ्रेंड्स, ऐसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे जूम ऐप आप लिखेंगे तो आप यहाँ पे जूम ऐप को जैसे डायरेक्ट क्लिक करेंगे, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो यहाँ से आप जूम ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, मैं बताऊंगा जूम ऐप के बाद आपको डाउनलोड करने के बाद इसको इंस्टॉल कर लेना है। और आपको अगर इसमें मोबाइल में चाहिए तो आप मोबाइल में एंड्रॉयड में भी चला सकते हैं और आईफोन में भी चला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये दोनों में ये ऐप अवेलेबल है, तो आप मोबाइल में भी जा कर के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और ऐप स्टोर से आईफोन में भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, तो हम बात करते हैं आगे। तो जैसे आप डाउनलोड कर लेंगे, मैं भी पीसी के बारे में बता रहा हूँ, फिर अभी मोबाइल स्क्रीन में भी बताऊंगा आपको, तो इसीलिए कह रहा हूँ वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो बहुत बड़ी नहीं बनेगी, छोटी सी वीडियो बनेगी और वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। मैं मोबाइल स्क्रीन में भी जा करके आपको सारी चीज़ें वहाँ पर भी करके दिखाऊंगा विद प्रैक्टिकल। तो जूम ऐप जैसे आप इंस्टॉल कर लेंगे तो इस तरीके का आइकन आ जाएगा। फ्रेंड्स, तो जूम ऐप को हमने खोल रखा है, मैंने इसलिए सब ऑलरेडी करके रखा है जिससे कि आपको, हमारे सब्सक्राइबर को और हमारे स्टूडेंट्स को दिक्कत ना आए, कोई भी परेशानी कोई भी ना करना पड़े, तो इसलिए मैंने सारी चीज़ें खोल के रखी है। तो जैसे ही जूम ऐप ये खुलेगा फ्रेंड्स, तो इसमें आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आप अपना जीमेल, या आप जीमेल से कर सकते हैं या आप गूगल से कर सकते हैं या तो आप फेसबुक के माध्यम से कर सकते हैं, आप अपना इसमें लॉगिन कर लेना है। इसमें आप लॉगिन कर लेंगे तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे फ्रेंड्स, उसमें देखिए चार टैब आपको नज़र आ रहे हैं, आपको इसमें लॉगिन कर लेना है। इसमें पैड वर्जन है, आप फ्री वर्जन में आपको मैं बता दूँ, फ्री वर्जन में ये केवल चलेगा, आपका जो लॉगिंग है साइनअप है वो तो फ्री ही रहेगा। ये देखिए मेरा तो पैड वर्जन है, ये लाइसेंस है इसका, क्योंकि अगर आप लाइसेंस नहीं लेंगे फ्रेंड तो इसमें क्या होगा कि आपका जो मीटिंग होगा वो केवल 40 मिनट ही चलेगा। बट आप जब पैड ले लेंगे तो इसमें आप अनलिमिटेड मीटिंग कर सकते हैं, मतलब एक मीटिंग आपकी केवल 40 मीटिंग की होगी, 40 मिनट की होगी, जब तक आप फ्री वर्जन ट्रायल वर्जन चलाएंगे तो। मगर पैड वर्जन चलाएंगे तो आप मीटिंग को कभी भी कितना भी लॉन्ग टाइम तक मीटिंग अपना चला सकते हैं। चलिए, तो मैं ये चार टैब में, मैं पहले टैब की बात करता हूँ, न्यू मीटिंग। अगर आपको यहाँ पे कोई मीटिंग क्रिएट करना है, आप मीटिंग को चाहते हैं कि आप अपना मीटिंग क्रिएट करने के लिए आपने, देखिए जैसे ही आप न्यू मीटिंग को क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे एक टैब खुल जाएगा, सारी चीज़ें यहाँ पे टैब खुल जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक टैब खुल जाएगा, जैसे ही आप न्यू मीटिंग को आप करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका ये टैब खुल जाएगा। टैब खुलने के बाद फ्रेंड्स, मैं बता दूं आपको, टैब जैसे ही खुल जाएगा अब यहाँ पे आपका ये लिंक बन चुका है। अब ये लिंक कहाँ से शेयर करते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देख सकते हैं, यहाँ पे एक आइकन आई बटन है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है मीटिंग इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये आईडी हमारी है पर्सनल, यहाँ पे आप लिखा देखिए कॉपी लिंक। तो जिसको भी अपने स्टूडेंट, अपने जो भी जिससे आप मीटिंग करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो आप इस लिंक को सिंपली कॉपी करेंगे, यहाँ से कॉपी हो गई। अब उसके बाद आपको जहाँ भी शेयर करना है, जिस सोर्सेज से शेयर करना है, तो मैं व्हाट्सएप से शेयर कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको सिंपली राइट क्लिक करना है और पेस्ट कर देना है और यहाँ पे चला गया। तो फ्रेंड्स, ये लिंक चली गई है, जिसको भी आप देना चाहते हैं यहाँ पे लिंक चली गई है फ्रेंड्स। तो
अब मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा, ये लिंक तो शेयर हो गई फ्रेंड्स। अब आपको लिंक जैसे ही शेयर हो गई, अब जो आपके साथ जुड़ेंगे, अब आपके साथ जुड़ेंगे यहाँ पे शो होगा। मैं सारी चीज़ इसीलिए शुरू से लेकर लास्ट तक बता रहा हूँ, और इसमें ज्वाइन कर भी के भी आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं फ्रेंड। तो मैं इस स्क्रीन को अब रोकूंगा, और उसके बाद मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा मोबाइल स्क्रीन में कि कैसे हमें उसको करना है। अब मोबाइल स्क्रीन में जा करके मैं आपको दिखाऊंगा कि आप कैसे कर सकते हैं, ज्वाइन कैसे होना है। उससे पहले मैं यहाँ पे इस वीडियो को कंप्लीट कर देता हूँ, उसके बाद मैं ज्वाइन का प्रोसेस बताता हूँ। पहले मैं इसी का वीडियो का पूरी तरीके से कंप्लीट कर देता हूँ। तो आप ऐसे जैसे क्लिक करेंगे तो जो आप में ज्वाइन होगा अप्रूवल के लिए यहाँ पे आएगा फ्रेंड्स, ऊपर अप्रूवल के लिए आएगा। जैसे ही कोई ज्वाइन आपका मीटिंग ऐड होता है तो यहाँ पे अप्रूवल के लिए आएगा, और अप्रूवल आएगा जैसे ही तो आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। वो एडमिन मतलब जो होस्ट होगा इसका, वही ज्वाइन कर पाएगा, नहीं तो अदरवाइज कोई भी ज्वाइन नहीं कर पाएगा। चलिए अभी फुल तरीके से सिक्योर है। अब इसमें बाद में बताना चाहूँ, इसमें आप रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, जो आप मीटिंग है उसकी आप रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं फ्रेंड। अब मैं बताना चाहूँ स्क्रीन शेयर, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे आप स्क्रीन शेयर टैब को क्लिक करेंगे, मैं आपको दिखाना चाहूँगा स्क्रीन शेयर टैब को। आप जैसे ही आपने क्लिक किया तो एक तरीके का टैब खुल गया, मतलब आप यहाँ से इतनी सारी चीज़ों को आप शेयर कर सकते हैं। आप अपना स्क्रीन शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे क्लिक करेंगे, और आपका देखिए फ्रेंड्स आप अपना स्क्रीन सेवर पे आ गए, मतलब हमारा जो डेस्कटॉप वर्जन है, जो हमारा डेस्कटॉप है, आप वहाँ पे आ चुके हैं। ये देखिए अब आप यहाँ पे अपने स्टूडेंट्स को अपनी मीटिंग्स बहुत ही अच्छी तरीके से, इजीली तरीके से आप यहाँ से अपनी मीटिंग कर सकते हो और अपनी क्लास चला सकते हैं। जो भी आपको यहाँ पर पढ़ाना है, आप सारी चीज़ें अदर को भी वो दिखाई देगा। तो चलिए मैं अब यहाँ पर ब्रेक करूँगा, और ब्रेक करने के बाद फ्रेंड्स मैं अपने अब आपको दिखाता हूँ कि आपको ज्वाइन कैसे होना है। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपने देखा कि मैंने आपको सारी चीज़ डेस्कटॉप में बताई, मैं अब अपने मोबाइल स्क्रीन में आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप कर सकते हैं, ज्वाइन कैसे करना है। सिंपली ज्वाइन करने के लिए फ्रेंड मैं बता दूँ आपको एक चीज़ बात, पहले एक चीज़ मैं कंफर्म करना चाहता हूँ, ज्वाइन करने के लिए आपको कुछ भी आईडी लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है। ज्वाइन करने के लिए आपको जूम ऐप को डाउनलोड करना है। जूम ऐप आपको डाउनलोड करने के बाद आपको सिंपली जूम ऐप भी नहीं खोलना है, आपको सिंपली जहाँ पर वो लिंक है आपको उस लिंक में जाना है। जैसे लिंक आई हुई है, इस लिंक को आपको बस क्लिक करना है फ्रेंड्स। मैं बता दूँ आपको इस लिंक को क्लिक करना है। अगर आप में जूम ऐप ऑलरेडी इंस्टॉल होगा तो जूम ऐप आ जाएगा, अगर जूम ऐप इंस्टॉल नहीं होगा तो फ्रेंड्स आप जूम ऐप डाउनलोड कर लेंगे। तो यहाँ पे जैसे आप लिंक को क्लिक करेंगे, जूम पे आप क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, तो सिंपली आप जूम ऐप के उसमें चले जाएंगे, और जूम ऐप के जाने के बाद फ्रेंड्स अब आपका यहाँ पे नाम, मैं सारी चीज़ें आपको शुरू से बताना चाहता हूँ। फिर आप अपना नाम, जैसे आपने अभी लॉगिंग नहीं किया है, जैसे मैंने भी कोई लॉगिंग नहीं किया है फ्रेंड, तो आप अपना नाम दे देंगे, अपना नाम यहाँ पे लिख देंगे, जैसा कि मेरा नाम दुर्गेश कुमार सोनी है, मैं अपना नाम यहाँ पे दे दूंगा, आप भी अपना नाम यहाँ पे दे सकते हैं, कोई भी लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे ही आप ओके करेंगे फ्रेंड्स, मैं बता दूँ यहाँ पे आपको, अब आपको यहाँ पे देखिए यहाँ पे वेटिंग फॉर होस्ट, आपको वेटिंग फॉर होस्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपको वेटिंग करना है, और आपको उसमें एडमिन आपको अब जो भी उनका होस्ट कर रहा है, तब आपको वहाँ पे यस जैसे ही होगा तब आपको वहाँ पे आप एडमिन हो जाएंगे। तो जैसे वहाँ पे यस होता है तो आप कनेक्ट हो जाएंगे फ्रेंड्स। तो ये सारी चीज़ अब देखिए, जैसे आपने कनेक्ट हुआ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने अभी कैमरा ऑप्शन हाइड किया हुआ है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ही ज्वाइन ऑडियो पे क्लिक लिखा है, तो ज्वाइन ऑडियो पे आप पे देख रहे हैं, ज्वाइन ऑडियो पे आप देख रहे हैं कि आपका जो माइक नहीं बजता है, कैमरे नहीं आते, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरा स्क्रीन शेयर था फ्रेंड्स, स्क्रीन शेयर मेरा स्क्रीन शेयर दिख रहा है यहाँ पर, आप देख सकते हैं हमारा स्क्रीन शेयर हो रहा है। तो सिंपली आपको यहाँ पर फर्स्ट वाले टैब पर क्लिक कर देना है आपका, क्योंकि यहाँ का भी माइक मैं बंद कर देता हूँ एक बार। ये देखिए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पे क्लिक करना है, आपका माइक ऑन हो जाएगा, और यहाँ पे आप अपना कैमरा भी ऑन कर सकते हैं। जैसा कि आप इसमें कैमरे पे टिक करेंगे फ्रेंड, देख रहे हैं कैमरे पे टिक करेंगे तो कैमरा भी ऑन हो जाएगा फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कैमरा ऑप्शन है। आप भी अपना अपना फ़ोन भी शेयर कर सकते हो, बट तब कर सकते हो जब आप होस्ट होंगे, जब आपको होस्ट बनाया जाएगा तब अपने मोबाइल का स्क्रीन भी आप शेयर कर सकते हो। तो आई होप आपको इसमें फिर कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि कितने लोग ऐड हो रहे हैं फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे स्क्रीन शो हो जाएगी कि कितने लोग यहाँ पे स्क्रीन में आपके दिखाई दे रहे हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल हुई होगी, तो अगर ये हेल्पफुल वीडियो है तो फ्रेंड्स प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपने देखा है कि मैंने यहाँ पे आपको सारी चीज़ें प्रैक्टिकली तौर से करके दिखा दी है। अब आप कहीं से भी कोई भी डिस्कनेक्ट नहीं होगा, आप उससे ज्वाइन हो चुके हैं फ्रेंड्स। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगर वीडियो आपको अच्छी लगी होगी फ्रेंड्स तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारे नए वीडियो आपको हमेशा मिलते रहेंगे फ्रेंड्स। तो अब मैं बस आपको यही बताना था कि जूम ऐप को कैसे यूज़ कर सकते हैं, सारी चीज़ें आपको यहीं पे बतानी थी फ्रेंड।
तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी चीज़ें हमने आपको बता दी है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कितने लोग ऐड हो रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो भी अब आपकी क्लास ली जाएगी, आपकी मीटिंग ली जाएगी, सारी चीज़ें यहाँ पे शो होगी। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो लाइक सब्सक्राइब शेयर, थैंक यू।